हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल न्यूमेरिकल देखे थे कुछ, और फार्मूलों पे न्यूमेरिकल देखेंगे। आज लास्ट है न्यूमेरिकल। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2%, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2%, 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एग्जर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 bar एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट? मोलर मास सॉल्यूट का क्या होगा? कहने का मतलब है कि 2% नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन बनाया, एक्वस सॉल्यूशन, उसमें जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो 1.004, ओके, 1.004 bar एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो वहाँ पे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है, तो क्या मोलर मास सॉल्यूट का होगा? इसको हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग ये जानते हैं कि प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। वो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। आई बात समझे? और जो वेपर प्रेशर यहाँ पे होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे, ये 1.04 bar दिया हुआ है, ये वेपर प्रेशर दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग जान गए, 2% का मतलब 2 gram है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम देखेंगे तो 98 gram होगा, और मोलर मास आप देखेंगे वाटर का तो वो 18 gram है, और मास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 gram है। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल, ये तो जो दिया हुआ है हमने इसको देख लिया कि एक्वस सॉल्यूशन 2% बोला, तो 2% का मतलब 2 gram जो है कि सॉल्यूट है, और 98 gram सॉल्वेंट है, 100 gram सॉल्यूशन है। और डालने के बाद जो प्रेशर है वो सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद जो प्रेशर है वो 1.04 bar है, ठीक है, एट द नॉर्मल बॉइलिंग। अब जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर का 1.03 bar पे होता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। हमें पता करना है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। अब इसके लिए हम क्या क्या करेंगे? फार्मूला राउल्ट्स का लगाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला है। अगर वेरी डाइल्यूट, 2% का मतलब क्या हो गया? वेरी डाइल्यूट, तो ये फार्मूला N2/N1+N2 क्या हो जाता है? N2/N1 हो जाएगा। अब N2/N1 को वेट, यहाँ पे हम वेट अपन मोलर मास, ओके, वेट अपन मोलर मास यहाँ पे हम लिखेंगे। सपोज यहाँ पे हो जाएगा M1, M1, ओके, यहाँ पे है W1, M1, यहाँ है W2, ओके, W2, और ये हमारा है M2, मोलर मास ऑफ द सन। जस्ट ए मिनट, फार्मूला हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे पी नॉट, ऐसे फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस एस अपॉन पी नॉट, ओके, पी नॉट हो जाएगा यहाँ पे। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2/N1, N2 अपॉन
अपॉन एन वन अपॉन एन वन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए. ओके अब यहाँ से हमारा हो जाएगा डब इक्वल टू एन टू की जगह पे लिखेंगे डब्लू टू अपॉन एम टू. ओके एम टू और अपॉन हो जाएगा डब्लू वन अपॉन एम वन. ओके एम वन. अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं डब्लू टू इंटू डब्लू टू इंटू एम वन इंटू एम वन एम वन एम वन हियर इज एम वन नाउ अपॉन डब्लू वन इंटू एम टू. ओके आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा. दिस इज द एम टू. अब यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है तो ये हमारा है. इस फार्मूले को भी हम करेक्ट कर सकते हैं. ओके यहाँ पे फार्मूला थोड़ा रॉन्ग हो गया है. यहाँ पे हो जाएगा इनटू इसी फार्मूले को हम ऐसे कर सकते हैं इनटू एम वन और इसको हमने W2 कर दिया W1 इंटू इंटू एम टू एम वन सॉरी यहाँ पे M2 हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा M2. ये हो जाएगा M2. यहाँ से हमारा ये हो गया W2 2 ग्राम 18 ग्राम M1 मोलर मास ऑफ वाटर एंड M2 हमें कैलकुलेट करना है और यहाँ पे W1 दिया है 98 ग्राम. अब यहाँ पे 1.01 1.01 ओके 1.01 3 माइनस 1.004 अपॉन 1.013 और यहाँ पे W2 की जगह पे 2 हो गया 18 ग्राम अपॉन M2 इंटू 98. अब यहाँ से M2 हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 41.35 ग्राम. ओके तो हम इस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस तरह के न्यूमेरिकल एक देखना ज़रूरी है. इसको नोट कर लेते हैं, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं. पॉज करके भी नोट कर सकते हैं इसको. अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन. The vapor pressure of the two liquid components 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of mixture of 26.0 gram of heptane
एंड 35.0 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। क्वेश्चन ये है कि हेप्टेन ऑक्टेन मिल करके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं 373 केल्विन पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ दो लिक्विड कंपोनेंट का 105.2 किलो पास्कल से पास्कल है एक का, ठीक है, हेप्टेन का, और 46.8 किलो पास्कल है ऑक्टेन का। तो क्या होगा वेपर प्रेशर मिक्सचर का जिसमें कि 26 ग्राम हेप्टेन है और 35 ग्राम ऑक्टेन है। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले सबका मोलर मास लिखना पड़ेगा। एक तरफ से हमें न्यूमेरिकल, तो मोलर मास यहाँ पे C7H16 है, तो 7 × 12 × 16 तो ये आ गया हमारा कितना, 100 एंड मोलर मास ऑफ ऑक्टेन यहाँ पे हो गया C8H18, तो 8 × 12 + 18 114 ग्राम पर मोल। और यहाँ से मोलर मास ऑफ हेप्टेन सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा, 26 upon 100 करेंगे तो 0.26 मोल हो गया। और मोल यहाँ पे ऑक्टेन का अगर देखेंगे तो 35 upon 114 हो जाएगा, 0.307 हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन अगर हम हेप्टेन का निकाल लें तो 0.26 upon 0.306 + 0.307 हो जाएगा, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.458। तो मोल फ्रैक्शन आप अगर ऑक्टेन निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ऑक्टेन का आ गया। अब हम वेपर प्रेशर हेप्टेन का निकालना चाहें तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन आप हेप्टेन इंटू पार्शियल प्रेशर कितना है प्योर स्टेट में कैलकुलेट कर देंगे तो ये हमें पता लग जाएगा। और यहाँ वेपर प्रेशर ऑक्टेन का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.542 और ये पास्कल में इसका हो गया। अब इसके बाद इसकी वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। अब अगर हमें कंपोजिशन पूछा है तो मिक्सचर को जोड़ देंगे, ऐड अप कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा टोटल आ जाएगा 73.54 किलो पास्कल, ये इसका मिक्सचर का हो गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हेप्टेन ऑक्टेन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं 373 पे। तो वेपर प्रेशर आप दोनों लिक्विड का प्योर स्टेट में दिया हुआ है, हेप्टेन का दिया है 105.2 किलो पास्कल और ऑक्टेन का दिया है 46.8 किलो पास्कल, ठीक है। अब इसमें क्या वेपर प्रेशर मिक्सचर का होगा जबकि 26 ग्राम जो हेप्टेन है और 35 ग्राम ऑक्टेन है। तो इसके लिए पहले सबका हम मोलर मास निकाल लेंगे, हेप्टेन और ऑक्टेन का यहाँ पे 100 आ गया, इसका 114 आ गया, फिर सबका हम मोलर मास निकाल मोल्स निकाल लेंगे। तो हेप्टेन का मोल यहाँ पे हो जाएगा 26 upon 100, तो 0.26 हो जाएगा। और यहाँ ऑक्टेन का मोल निकालेंगे तो 35.0 upon 114 हो जाएगा, तो ये 0.307 हो गया। मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का अगर निकालेंगे तो 0.26 और 0.26 + 3.307, तो यहाँ पे जो है इसका मोल फ्रैक्शन इतना आ गया। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का चाहिए तो 1 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ऑक्टेन का मिल जाएगा। फिर सबका हम वेपर प्रेशर अलग अलग निकाल लेंगे क्योंकि प्योर स्टेट का प्रेशर दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का इंटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट तो रख दिए तो 48.18 किलो पास्कल आ गया। और ऑक्टेन का यहाँ पे हमने निकाला तो जो है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इंटू पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, तो ये हमारा आया 25.36। अब इसको वेपर प्रेशर मिक्सचर को हम ऐड कर दिए यहाँ पे तो टोटल हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब दिया हुआ है यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
अब वहाँ 1 मोलर सॉल्यूशन जो है, ठीक है, और इसका हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है 300 पे। अब इसका वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास गिवेन क्या है, 1 मोलर है। 1 मोलर का मतलब 1 मोल इन 1000 ग्राम, यानी कि मोलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 18। अब इसमें जो है कि 18 से इसको डिवाइड करेंगे, ओके, ये 18 है, डिवाइड करेंगे तो 15.55 आ जाएगा, ये इसका मोल्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 1 + 1 15.5, इतना हो जाएगा 0.77, 0.177 हो जाएगा, 0.0177 आ गया इसका। अब ये फार्मूला हम लोग जानते ही हैं कि पी नॉट माइनस पी एस अपन पी, तो ये हो जाएगा X2, यहाँ से X2 हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए तो हमें सोल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर पता लग गया। तो सिंपल था, यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं था, पहले तो मोल 1 मोलर का मतलब क्या है पता कर लेना था, 1 मोल ऑफ साल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ साल्वेंट। अब फिर यहाँ मोलर मास ऑफ वाटर निकाल लिए, 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे कितना हो गया, 1000 / 18 हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड किए तो 15.5 आ गया, तो ये मोल्स ऑफ इतना हो गया इसका हो गया। अब 1 मोल हमें सॉल्यूट का पता ही है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया, 1/1 + 55.5, तो 0.0177 हो गया। अब यहाँ से पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इक्वल टू X2 हो गया, तो हम ये दिया हुआ 12.3 माइनस पी एस 12.3 अपॉन हो गया, और ये 0.017 हो गया। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है, जिसमें मोलर मास 40 ग्राम इसका दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। अब विच शुड डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, इतने ऑक्टेन के अंदर डिजॉल्व किया जा रहा है, प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए 80%। कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस द वेपर प्रेशर टू 80%। अब यहाँ पे 80% का मतलब हो गया कि जो हमारा कोई मान लिया एक्स है, तो 100/P0 हो गया, इतना हो गया हमारा दूसरा वाला, ठीक है, प्योर स्टेट का तो पी नॉट है ही, यानी वो 100 है ही, तो ये 0.8 हो गया। अब W ग्राम हम जो है सॉल्यूट प्रेजेंट की मिक्सचर के अंदर है, हमें नहीं पता कितना है, तो मान लीजिए लेट हमने मान लिया W ग्राम, तो यहाँ से मोल्स आप अगर निकाल लिया तो W/40 हो गया मोल्स। अब मोलर मास आप ऑक्टेन यहाँ से निकाले तो 114 आया, तो मोल्स आप ऑक्टेन अगर निकालोगे 114 / 114, तो 1 ही आ जाएगा। अभी हम वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर का फार्मूला जानते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इंटू X2। इस X2 की जगह पे हम क्या रखते हैं, X2 की जगह पे हम रखते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। अब N2 N1 की जगह पे अब ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू है, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस इतना हो जाएगा, और ये W W अगर कटेगा तो यहाँ से W और प्लस 40 आ जाएगा, ओके, बात समझ आई। यहाँ से अगर ये कट जाएगा तो भी हमें केवल इतना मिलेगा, या हम इसको ब्रैकेट को ऊपर नीचे कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो हम इसको लिख देंगे W इंटू 40,
और ये 40 इंटू डब्ल्यू प्लस 40 हो जाएगा। तो ये अगर 40 40 यहाँ से कट गया, 40 40 तो डब्ल्यू अपान कितना बचा, डब्ल्यू अपान बचा डब्ल्यू प्लस 40। अब इसकी वैल्यू आ गई 0.20, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई, इसको ट्रांसफ़र किए इधर से इधर, ठीक है, इसको यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये 0.20 डब्ल्यू प्लस 8 इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो 8 इज इक्वल टू डब्ल्यू 1 माइनस 0.2 हो गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 8 अपॉन पॉइंट इतना हो गया, तो ये 10 ग्राम हो गया। सिंपली हमको कुछ करना नहीं था, सीधे वेपर प्रेशर के फार्मूले में पुट करना था वैल्यू। एक बार फिर से इसको हम देख सकते हैं न्यूमेरिकल को। पहले हमें ये समझना होगा कि जो 80% है वो क्या है। तो हमें जिस सल्यूट का मास निकालना है, सपोज एक्स है, तो उसका जो है कि प्रेशर 80% प्योर स्टेट का है, तो यानी साल्वेंट का है, तो 80/100 यानी 0.8 पी नॉट हो गया। अब ये मान लिए कि डब्ल्यू ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है, जो कि हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे जो है मोल्स ऑफ सल्यूट निकालना होगा, तो W/40 कर देंगे। अब मोलर मास ऑफ ऑक्टेन निकालना होगा, तो सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा आ गया 114। अब मोल्स ऑफ ऑक्टेन यहाँ पे निकालना, 114/114, ठीक है, तो ये 1 मोल हो गया। अब ये हम जो है कि वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला रखेंगे, तो यहाँ से N2 इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है, N2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे N2 की जगह पे W/40, फिर यहाँ N2 की जगह W/40 और N1 की जगह पे 1 रख दिया। अब इसमें इसको नीचे ट्रांसफ़र किया, इसको ऊपर की ओर ट्रांसफ़र किया, तो हमें ये मिला 40 40, यहाँ कट गया, 1 माइनस 0.80 है। अब यहाँ से 1 W/W+40 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो 0.20 W/W+40, तो यहाँ से ये हो गया हमारा। अब ये W इधर जाएगा, 1 माइनस W इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे W 8/0.8 हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्योंकि हमने वेपर प्रेशर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा लिए, अब इसके बाद हम आएंगे 5% सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 18 में भी आया था, 19 में भी आया था। 5% बाई मास केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। अब यहाँ 5% सोल्यूशन केन शुगर है इन वाटर, वाटर के अंदर, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 है। तो हमें कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का वाटर में, जबकि वाटर का प्योर स्टेट में फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 केल्विन है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? हमें एक जो 5% सोल्यूशन दिया है केन शुगर का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता है, और हमें 5% ग्लूकोज सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है, जबकि प्योर स्टेट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमें पता है, वो 273.15 है। तो अब मोलर मास ऑफ केन शुगर पता ही है, C12H22O11 का, तो यहाँ पे है 342। अब मोलैलिटी आप अगर शुगर निकालना हो, तो 5 ग्राम है ये, 5 ग्राम अपान मोलर मास हो गया,
अब 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो 100 अपन 1000 करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 0.14। अब हम शुगर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू पता है कितना है आ रहा है, तो हम इसमें से प्योर स्टेट में से इसको घटा देंगे, ये 271, तो यहाँ डेल्टा टी एफ आ गया प्योर शुगर के लिए, ये इसके लिए आ गया, केन शुगर के लिए आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो के एफ की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ डेल्टा टी एफ की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, अब फिर यहाँ यहाँ जो है कि एम की वैल्यू निकाल लेंगे। एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मोलैलिटी निकला हुआ है 0.14, ओके, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया हमने, एम की वैल्यू रख दिया, ठीक है, तो यहाँ से हमें के एफ की वैल्यू आ गई, यहाँ पे हमारी मोलैलिटी आई हुई थी, फिर यहाँ डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें डेल्टा टी एफ की, तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज निकालना है, तो के एफ की वैल्यू जो हमें यहाँ मिली है ये के एफ की वैल्यू सारे सॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट होती है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन और बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो 5% केन शुगर का मतलब हो गया 5 ग्राम शुगर है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, ठीक है, और दूसरा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया हुआ है 271 केल्विन, तो यहाँ से हम डेल्टा टी एफ भी निकाल सकते हैं क्योंकि प्योर स्टेट का दिया है यहाँ पे, तो डेल्टा टी एफ जो है प्योर स्टेट के लिए 273.15 माइनस 271 हो जाएगा, तो 2.15 हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा टी एफ इंटू के एम वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमें जो है कि क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हमें के एफ की वैल्यू दी नहीं है, तो के एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 2.15 अपान 0.14 हो जाएगा। अब हमें चूंकि फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है, ग्लूकोज सॉल्यूशन का, तो पहले मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो मोलैलिटी इक्वल टू हम लोग स्मॉल एम इक्वल टू क्या जानते हैं, स्मॉल एन इक्वल टू होता है इस एन अपॉन डब्लू, कैपिटल डब्लू, और ये होता है केजी में, ठीक है। ये होता है केजी में, ठीक है, ये केजी में होता है, तो यहां से ये वैल्यू रख दी गई, ये नंबर ऑफ मोल हो गया और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो गया, तो यहाँ से मोलैलिटी हमें पता लग गई और के एफ की वैल्यू पता लग गई, तो हम डेल्टा टी एफ जो है वाटर के लिए शुगर ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए निकाल लेंगे, तो ये आ गया हमारा इतना, तो इसको टू जो प्योर स्टेट है उसमें से घटाएंगे 273.15 में से 4.09 को, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो आएगा फ्रीजिंग पॉइंट वो 269.06 आएगा, ठीक है। आई थिंक ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, एक और न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, थोड़ा सा बड़ा है मगर क्वेश्चन पूछ देता है। यहाँ पे टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड ए बी टू एंड ए बी फोर व्हेन डिसॉल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6, 1 ग्राम ऑफ ए बी टू लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 2.3 के, वेयर एज 1 ग्राम ऑफ ए बी फोर लोअर इट बाई 1.3 के। ओके, तो मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजीन दिया हुआ है 5.1 के केजी पर मोल, तो यहाँ पे एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, एटॉमिक मास क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन
एक बार देखते हैं फिर से कि दो एलिमेंट ए और बी हैं जिसमें से दो फार्मूले बन रहे हैं, एक तो ए बी टू बन रहा है, एक ए बी फोर बन रहा है। जब हम 20 ग्राम बेंजीन को 1 ग्राम ए बी टू के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन कम हो जाता है। जब 1 ग्राम ए बी फोर डिजॉल्व करते हैं तो 1.3 के कम होता है। और अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन 5.1 है तो एटॉमिक मास ऑफ ए बी निकालना है। बहुत सिंपल वे में देखेंगे तो सिंपल है, सब पहले सबका मोलर मास निकाल लेते हैं ए बी टू और ए बी फोर का। इसके लिए सेम ही फार्मूला 1000 इंटू के एफ डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन अपन डेल्टा टी एफ। तो यहाँ पे 1000 हो गया, के एफ की वैल्यू सब में 5.1 नहीं रहेगी और डब्ल्यू टू तो 1 है और यहाँ पे डब्ल्यू वन 20 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में और 2.3 जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टी एफ है। तो यहाँ से एम ए बी आ गया हमारा 100 10.8 और एम ए बी फोर आ गया 196। अब इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन क्या बनाएंगे कि अगर हमें मोलर मास हम निकालते हैं ए बी टू का तो क्या लिखते हैं, अगर हमें ए बी टू का मोलर मास निकालना है ए बी टू का, ठीक है ए बी टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस टू बी हो जाएगा, ठीक है ए प्लस टू बी हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने मान लिया कि एटॉमिक मास बी का और ए का जो है पी और क्यू है, ठीक है रिस्पेक्टिवली। तो मोलर मास आप ए बी टू अगर निकालना है तो पी प्लस टू क्यू रख देंगे इक्वल टू इतना हमने जो निकालना है टोटल। अब मोलर मास हम ए बी फोर का निकालेंगे तो पी प्लस फोर क्यू रख देंगे, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को क्या करेंगे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल में, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी कट करके 2q इक्वल टू 85.28, ठीक है तो q इक्वल टू आ जाएगा 42.64। अब इस Q की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में रख दें, किसी में भी रख दें, तो यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल चुकी है। अब P की वैल्यू मिल जाएगी तो ये 110.87 माइनस 85.28, तो यहाँ से P इक्वल टू हमारा आ गया 25.59, ठीक है। तो एटॉमिक मास आप A आ गया 25.59 और एटॉमिक मास आप बी आ गया 42.64। तो बच्चों ये सवाल न्यूमेरिकल टफ नहीं है, इसको लगाने के लिए पहले सबका हम मोलर मास यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं ए बी टू ए बी फोर। मोलर मास निकालने के बाद सिंपल मैथमेटिक्स लगाए हैं, इक्वेशन हमने बनाया है, ए का मान लीजिए पी मान लिया, बी का क्यू मान लिया। तो यहाँ से पहले फार्मूले के लिए पी प्लस टू क्यू हो गया, दूसरे फार्मूले के लिए P प्लस 4Q हो गया, यह 110.8 ग्राम पर मोल हो गया, ये 196.15 ग्राम हो गया पर मोल। तो यहाँ से इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किए एक दूसरे में से तो 2.5 यानी दो में से एक को घटाया है हमने, तो यहाँ से 2Q इक्वल टू 85.28 आ गया, तो Q इक्वल टू हमारा 42.64 हो गया। अब इस Q की वैल्यू 1 इक्वेशन में रख दें तो आसानी से हमें ये पता लग जाएगा कि P की वैल्यू कितनी आई 25.59। तो इस तरह से A का मोलर मास हो गया 25.59 और B का मोलर मास हो गया 42.64, ठीक है। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल था। अब एक आसमोटिक प्रेशर पे फटाफट देख लेते हैं हम लोग। एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट
इन लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.08 bar. If the osmotic pressure of solution is 1.52 bar at the same temperature, what should be its concentration? कहने का मतलब अगर 300 केल्विन पे 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है एक लीटर में सोल्यूशन में, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 4.08 बार है, क्लियर है? अगर इफ ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन का 1.52 बार हो जाए सेम टेम्परेचर पे, तो कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए ग्लूकोज का उस कंडीशन में? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं फार्मूला, जानते हैं क्या होता है पाई इक्वल टू सी आर टी। पाई की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू यहाँ पे डब्ल्यू बाई एम आर 300, तो यहाँ से हम डब्ल्यू की वैल्यू तो 36 दिया हुआ है, ग्लूकोज का 180 होता है, आर की वैल्यू सपोज नहीं पता है हमें तो हम कोई दिक्कत नहीं, हमें दो फार्मूले बनाने हैं। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 3 से 6 टाइम में 6 है, ये 60 आ जाएगा। ओके, जैसे अगर हम 36 अपन 180 किए हैं, 180 इंटू, अब इसको 300 करेंगे तो क्या आएगा, 300 जीरो से जीरो यहाँ कट जाएगा और ये टू टाइम में कट जाएगा, टू टाइम में। ओके, यहाँ पे एक जीरो और है तो यहाँ पे 2 3 60 आ गया, यहाँ टोटल हमारा आ गया 60। अब ये एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा, यहाँ पे 4.98 इक्वल टू 60 आर हो गया। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, 1.52 हमें कंसंट्रेशन पता नहीं, आर की वैल्यू वही है और 300 टेम्परेचर है। अब इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर दिए, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर दिए तो कंसंट्रेशन हमारा आ गया 60 अपॉन 300 इंटू 1.52 4.98, तो ये हमारा आ गया 0.06 आ गया कंसंट्रेशन। सिंपल है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो दो बातें पूछी गई, दो बातें हैं, एक तो 300 केल्विन पे 36 ग्राम ग्लूकोज है जिसका एक लीटर में, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर तो 4.08 दिया है, लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 हो जाए तो कितना हमें कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन है ग्लूकोज के लिए ही है। तो पहले हम फार्मूला जानते हैं सी आर टी, तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इक्वेशन तब बनाएंगे जबकि हमारा प्रेशर है 4.98, तो जब 4.98 है तो हमारा ये आ गया यहाँ पे W1 अपन M1 R इंटू इतना, तो W1 इक्वल टू 36 हो गया, M1 180 हो गया, यहाँ से सॉल्व किए तो 4.98 60 R आ गया। अब दूसरे केस में कह रहा है कि अगर प्रेशर इतना हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर 1.52 आ जाए तो सी आर इंटू 100, अब यही कंसंट्रेशन हमें पता करना है। अब इस इक्वेशन में यानी इक्वेशन टू में 2/1 हमने कर दिया, यहाँ पे 2/1 कर दिया, ठीक है? अब जब 2/1 करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे ही आ जाएगा 4.10 much। अब यहाँ से कंसंट्रेशन सॉल्व किए तो हमारा आ गया 0.6 m आ गया। इस तरह से न्यूमेरिकल अब हर तरह का हमने लगभग देखा है, वन टाइप फैक्टर पे न्यूमेरिकल बचे हुए हैं, कल उसको भी देख सकते हैं हम लोग। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।